और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्ष ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हत्या के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को कसूरवार बताया है विपक्ष ने। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद भगवंत मान सरकार कटघरे में है। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने आपको घेरा है। इस हत्याकांड के लिए केजरीवाल और भगवंत मान को जिम्मेदार बताया है और सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। दो ढाई महीने पहले जिन्नी वड्डी आसां ते उम्मीदां दे नाल इस सरकार पंजाब च बनी सी ते लगातार इन्हां तीन महीनों च जिहो जी चीजां सामने आ रहे दिन दिहाड़े नशे बिक रहे ने रॉकेट मिसाइल दे नाल लॉन्च होके एक विजिलेंस दे सरकार दे दफ्तर च ही बम ब्लास्ट हो रहा हैगा। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या बेहद चौंकाने वाली है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर मूसेवाला की हत्या पर दुख जताया है। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कल शाम जालंधर में हुआ विरोध प्रदर्शन, पंजाब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे समर्थक। आज दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मानसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। कल देर शाम जालंधर में मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज भी पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई भागों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। इससे पहले सुबह 9 बजे से केजरीवाल के आवास पर धरने की बात कही है। जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस ने भी सुबह 11:30 बजे पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। सूबे दे विच कोई किसी दी जिंदगी महफूज नहीं, किसी दी जायदाद महफूज नहीं, अनेकां हर रोज कतल हो रहे ने। कोई पुलिस हताशित हो चुकी है, कोई डायरेक्शन नहीं, ना पुलिस नु डायरेक्शन ना सरकार नु डायरेक्शन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।